के 15 साल में जो विकास हुआ है, विकलांग विकास हुआ है। अब किसी घर में बच्चा होता है तो घर के लोग कहते हैं कि बच्चा विकलांग भगवान नहीं दे, अध्य तो स्वस्थ दे। आप बिहार के सड़कों का हाल देख लीजिए, 15 साल में 2 लाख करोड़ से अधिक खर्च हुई, उस सड़क का पता नहीं है कहाँ पर है। 1 साल के अंदर सड़क टूटने लगता है, यही विकास है तो मान लीजिए विकास हुआ है। अब कहते हैं बिजली सबको दे दिया, घर घर में आ गया, बिजली का व्यापार आप कर दिया, कहीं 2 रुपया यूनिट, कहीं मुफ्त बिजली, आप 8 रुपया यूनिट कस्टमर से लेते हैं, कंज्यूमर से। आम जनता आपके जो मुनाफाखोरी से परेशान है। आप शिक्षा के नाम पर मध्याह्न भोजन खिला के बच्चा को जो अन्न खिलाते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं, उसी में पढ़ा लेते हैं ऐसा आपको लगता है। साइकिल पोशाक से ही बच्चा पढ़ लिया ऐसा लगता है, समझ सकते हैं। केवल प्रचार का सरकार, जनता तो सब जानती है, प्रचार से सरकार नहीं चलेगा। जनता के बीच में सारा सिस्टम दिख रहा है, लाचार विवश, बार बार जनता वोट देते देते परेशान। बिहार में ऐसा कौन सा विकास होना चाहिए था 15 सालों में जो विकास छूट गया है? निश्चित रूप से आपको बता दिया, विकलांग विकास का मतलब बेकार विकास। अगर विकास सही में होता तो विकास दिखता भी। शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट, सड़क शिक्षा सड़क पानी की व्यवस्था चौपट, नल जल की हाल देख लीजिए बिहार। केवल प्रचार प्रचार और आपसी अंडरस्टैंडिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार का विकास और बिहार का विकास दोनों सेम है? निश्चित रूप से जनता का जो महसूस हो रहा है, नीतीश कुमार जी का तिक्रमी सरकार से जनता टूट चुका है। आप केवल कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज जिस को विपक्ष में बैठना था वो सत्ता में बैठ गया, जिसको सत्ता में बैठना था उसको विपक्ष में बैठा। किस टाइप का ईरानी छोड़ गया। आपके विधानसभा में ऐसा कौन सा कार्य छूट गया है जो आप अपना विधायक बनने के बाद पूरा करेंगे? असल में हम हायाघाट से मिले थे और रिकॉर्ड मत से चुनाव जीते, 2 टाइम जीते थे, लेकिन दरभंगा के लोग का आकांक्षा था, मेरा नया पार्टी का आकांक्षा था कि दरभंगा गामी जी आइए, हायाघाट को जिस तरह से विकसित किए हैं दरभंगा को भी विकसित करना पड़ेगा। लोग तो विकास पुरुष को ही खोजते हैं बिहार में, लेकिन विकास पुरुष के नाम पे तो जो ठग के चले गए हैं उसका छोड़ दीजिए, अब की बार क्या विकास कीजिएगा आप? क्या देखिए, सबसे पहला बात लक्षित विकास, टारगेटेड विकास। जब आप तय कर लेते हैं कि एक काम हम करवा देंगे, हम तो पार्टी के घोषणा पत्र में चाहेंगे कि जल जवाब से निजात, मास्टर प्लान बनाकर। दरभंगा का मुख्य समस्या है ये, सड़क कम बने चलेगा लेकिन जल जमाव नहीं चलेगा। जल जमाव के लिए मास्टर प्लान बनाकर पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक ड्रेनेज व्यवस्था हो, जिससे आम आदमी को ये नारकीय व्यवस्था में जीने का अवसर नहीं मिले। और नगर निगम शहर है, आधा आबादी नर्क का जैसा जीवन जी रहा। आज भी देखिएगा कि लोग पानी के अंदर कोरोना काल में सरा हुआ पानी के बीच रह रहा है, बहुत बुरा स्थिति। अच्छा, ये तो जल जमाव हो गया, और ऐसा होता है कि हर साल बाढ़ आती है, ठीक है, शहर में, तो शहर के लोगों को उससे ये होना पड़ता है, जूझना पड़ता है। और जब बाढ़ चला जाता है तो कुछ लोगों को कुछ पैसे मिले, कुछ को वो भी नहीं मिला, तो इसका क्या निदान आपने सोचा? वोट पॉलिसी है और नया नया नौटंकी कर लीजिए, जल जीवन हरियाली, इस पर प्रचुर मात्रा में इंद्रदेव बरसात किए हैं। और शहर के अंदर कोई तालाब नहीं है जो ओवरफ्लो नहीं। नीतीश जी के साथ सात निश्चय योजना पे क्या कहना चाहेंगे? सात निश्चय योजना का जो नल जल है लिखो फीको योजना है, उसका स्थिति देख लीजिए, पक्की नली गली का हालत जाके देखिए, जो स्थिति है सामने दिखती है।
नल का जो टंकी है मुंह चिराता है, मजाक बन गया। तो कितना क्या लगता है कि कितना वक्त लगेगा जब आपके द्वारा विकास दिखना शुरू हो जाएगा? कम विकास हो, ठोस विकास हो, विकास दिखे और चले। नहीं, दिखने वाले विकास तो हो रहा है, जैसे नल जल लगाया जा रहा है। मेरे जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, हमारी सरकार आएगी, हम घोषणा पत्र में ये जारी कर रहे हैं कि पहला कैबिनेट में 10 लाख बेरोजगार रोजगार, आप समझ सकते हैं मेरा लक्ष्य कहाँ है। जब बेरोजगारी दूर होगी, अर्थव्यवस्था ठीक होगा, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा होगा। 10 लाख को देंगे तो 5 आदमी का परिवार है, 50 लाख खुशहाल होगा। जब वो खर्च करेंगे तो 2 करोड़ लोगों के पास ये पैसा। वर्तमान सरकार का एक और वादा था कि बिहार से प्लान को रोकना है, ये कहाँ तक सफल हो पाया? देखिए, बिहार वर्तमान सरकार जो है 15 साल से कुछ कर नहीं सका। अब प्लान रोकना है, लोग इनके लिए गर्व का विषय है। इनका अर्थव्यवस्था प्लान से चलता है, ये क्या रोक। आप जानते हैं, एक भी उद्योग धंधा जो पहले से है, राजा रजवाड़ा का समय से है, वो चालू नहीं करवा सके, नियत नहीं है। सरकार बोलता है प्रोत्साहन देंगे तो मिल नहीं चलाएंगे, तो भाई प्रोत्साहन दीजिएगा कहाँ से दीजिए। उद्यमी आपके यहाँ, आप पर विश्वास नहीं है उद्यमी को, आप उसको मदद कीजिए। कोई उद्योग आपके यहाँ लगाना नहीं चाहता है, बेरोजगार पेट भरने के लिए बाहर जाता है, रिक्शा चलाता है, टांगा चलाता है, मजदूरी करता है, पल्लेदारी करता है, आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल समय। इस कोरोना काल में यहाँ जो बिहार के बाहर जो भी मजदूर गए थे, इस बार देखा गया कि इतिहास में पहली बार इस तरह से मजदूरों को कष्ट हुआ, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार जिस ढंग से मदद करना चाहिए उस ढंग से मदद नहीं कर पाई। देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये बस अपना सुरक्षा में लगा रहा। अब देखे होंगे उस समय कोरोना काल में सभी लोग मास्क लगा के अंडरग्राउंड हो चुके थे, जनता को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हो रही है। तो इस मुद्दे पे आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को कह रहे हैं कि वोट की चोट से ऐसी सरकार को बदल दीजिए, ऐसा सरकार को लाइए जिससे आप का दर्द अपने में महसूस कर सकें। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में बदलाव होना ही चाहिए। अगर गलत सरकार है, बार बार आप चुनते हैं, तो तानाशाही रवैया में क्या लगता है इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन हो पाएगी? निश्चित रूप से, अभी जो बताए हैं कि देखिए 9 बज रहा है, इतने लोग हमको सुनने के लिए खड़ा है, मेरे स्वागत में खड़ा है। अभी आप लगातार हम फेसबुक लाइव 1-1 मिनट का हम जारी किए, हर जगह सैकड़ों लोग स्वागत में खड़ा है। आप समझ सकते हैं किस तरह से परिवर्तन का बिहार बढ़ रहा है।